हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना काल के समय में वर्तमान सरकार के हाथ जो असफलता लगी है उसमें भी भाजपा विपक्षी पार्टी को दोषी मानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनता की मदद करती आई है। कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना की वजह से देश प्रदेश में स्थिति दयनीय बनी हुई है, ऐसे में जो सुविधाएं सरकार द्वारा जनता को दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को लेके हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। करप्शन का बहुत बड़ा इशू है, मिस गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है, और कोरोना काल में जो असफलताएं रही हैं सरकार की वो बहुत बड़ा इशू है। तो इन इश्यूज़ को लेके जो है सदन के अंदर हमारे जो विधायक हैं वो बिल्कुल जो है मुखर रहने वाले हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक नई स्ट्रेटेजी है। बजाय इसके कि हम उनसे जो प्रश्न पूछते हैं वो उल्टा हमसे सवाल करते हैं। सवाल हमेशा सरकार से होता है, विपक्ष से कभी सवाल नहीं होता, लेकिन आज हालात ये कि विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं। और कोरोना काल में जो भी इनकी उपलब्धियां रही उनको लेके आए विधानसभा में टेबल करें कि क्या उपलब्धियां रही, साफ पता लगेगा। कोरोना काल में स्वाय करप्शन के कुछ नहीं हुआ, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि आपदा में अवसर, तो ये तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। जिस तरह सैनिटाइजर घोटाला हुआ, पीपी किट घोटाला हुआ, वेंटिलेटर घोटाला हुआ, अभी इतनी ज़मीनें खरीदे गई, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी जांच होनी चाहिए, सभी मंत्रियों की होनी चाहिए कि इस कोरोना काल में किसने कितना धन कमाया या जो एसेट्स बनाए उसके लिए पैसा कहाँ से आया, जाँच होनी चाहिए। अगर कोई क्लीन होके निकलता है ठीक है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है इनमें हिम्मत नहीं है कि ये इस तरह का कोई ऐलान कर सकते हैं। और कोरोना काल में जिस ढंग से सरकार असफल रही है, चाहे आप केंद्र सरकार की बात करो चाहे आप हिमाचल सरकार की बात करो, आज देश में मामले कहाँ पहुँच गए, तीसरे नंबर पर पहुँच गए हम, वो भी तब जब हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। अगर हमारी टेस्टिंग जो यूरोप के देश हैं या अमेरिका के बराबर होते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि कोरोना में हम नंबर वन पहुंच चुके हैं। और हिमाचल में देखिए आप स्थिति कितनी भयानक है, दिन प्रतिदिन केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, और इस सरकार ने लोगों को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है, और जिस वक्त मामले चंद मामले थे उस वक्त देश में लॉकडाउन लगा, आज जब मामले दिन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं आज सब कुछ खोल दिया, खोले, लेकिन कोई इनके पास प्लान होना चाहिए, कोई प्लान नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार जो है अनिर्णय की स्थिति में देश को चलाना जो है, प्रदेश को चलाना जो है भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।